जा रहे हैं गारे सौर की तरफ, और ये सामने जो माउंटेन नजर आ रहा है यही गारे सौर है इसी पे, और आज आपको इसका पूरा विजिट कराऊंगा मैं इंशाल्लाह। ये जो है गारे सौर के लिए नया रोड बन रहा है यहाँ से, और यहाँ से जो है इजी आप अपनी गाड़ी पे काफ़ी आगे तक आप जा सकेंगे। ठीक है, ये है गारे सौर की माउंटेंस, और तकरीबन 10 मिनट की हमने ये क्लाइंबिंग कर ली, और अजान की आवाज़ आ रही है मक्का से, और सामने खूबसूरत व्यू क्लॉक टावर। ये गार सौर में जाने के लिए ये रास्ता है, और ये है गार सौर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं हूँ राशिद अली खान, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मक्का में, और ये है थर्ड रिंग रोड जो ताइफ के लिए जा रहा है, और सामने जो है इसी रोड पे ही वहाँ पे आगे जाके एजियाद वाली रोड पे मक्का की तरफ ये रोड जाता है, और जिस यहाँ पे जो मैं मौजूद हूँ, और ये है गारे सौर। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये गारे सौर के लिए जो है नया रोड बनाया जा रहा है, यहाँ से जो है आप गारे सौर के लिए बड़ी ईजी होके अपनी गाड़ी पर भी जा सकते हैं। ये सारा न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे, और अब हम चलते हैं गारे सौर की तरफ, और आज का पूरा वाकया आपके साथ एक्सप्लोर करूँगा आज इस वीडियो में, तो साथ रहिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। ये रास्ता जो है पेट्रोल पम्प से सीधा गारे सौर की तरफ आ रहा है ऊपर के लिए, और गाड़ियाँ मैंने यहाँ पार्क कर दी है, और अब जाएँगे गारे सौर पर इंशाल्लाह, और साथ रहिएगा, और इस वीडियो को देखते रहिएगा कि आप जब भी आएँ तो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाए। और काफ़ी ज़ायरीन आए हुए हैं मक्का से यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए, और टाइम हो रहा है अभी तकरीबन 3:45, और तकरीबन एक डेढ़ घंटा लगता है ऊपर जाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यहाँ पे लोग जो हैं तस्बीह वगैरह सील कर रहे हैं। जज़ाकअल्लाह खैर, कैसे हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक हैं? जज़ाकअल्लाह खैर, पहले ऊपर से आते हैं। ठीक है, और ये जड़ी बूटियाँ वगैरह जो है, ठीक है, और अब हमें जाना है जो है वो है टॉप, तकरीबन एक घंटा लगेगा इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। ठीक है, 3:45 का टाइम हो रहा है, और यहाँ से हम चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? कैसा रहा एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर पूरा हो गया है? बिल्कुल, फुल टॉप पर जाएं इंशाल्लाह, थकावट आपके ऊपर जाएगी। अच्छा, कितना घंटा लगा आपको? हमें डेढ़ घंटा लगा। डेढ़ घंटा लगा स्टे करके जाएं, दो पक्का। अच्छा अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप जो ट्रैक देख रहे हैं, ये इस तरह का ट्रैक है, इस पर ये स्टेयर्स कम है, जैसे गार हीरा पर जो है स्टेयर्स का सिस्टम जो है बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ देखें पथरीला, इस तरह का ये माउंटेन है। हमारे साथ मौजूद हैं रियाज से आए हुए ज़ियारीन, और आपका नाम? मोहम्मद हलाल। मोहम्मद हलाल भी हैं यहाँ पे देखें, और ये भाई भी रियाज से आए हैं। मोहम्मद सलीम, बांग्लादेशी, माशाल्लाह फ्रॉम बांग्लादेश, हमारे पड़ोसी ममालिक से हैं, और ये भाई भी हमारे। अस्सलाम वालेकुम, पहला पाकिस्तानी बांग्लादेश एक है, माशाल्लाह अभी एक है, इंशाल्लाह अभी भी एक होगा, इंशाल्लाह जरूर एक होगा। मुस्लिम अखवान, माशाल्लाह माशाल्लाह, मोहम्मद आरिफ हुसैन, बांग्लादेश साथी हैं, सब लाइक करो, कमेंट करो, राशिद अली खान अच्छे, अच्छा है, जज़ाकअल्लाह खैर, पाकिस्तान बांग्लादेशी भाई भाई, जज़ाकअल्लाह खैर, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग यहाँ पे देखे आ गए हैं, और ऊपर की तरफ अब जा रहे हैं गारे सौर की तरफ सारे, और समीर सारे भी देखे, बहुत परेशानी है, बहुत। ये देखें ये भाई ऊपर जाके बैठ गए हैं, हमारे दोनों बेटे और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, चलते हैं फिर ऊपर। क्या रहे माइक कैंटीन पे हम पहुंच गए हैं, और भाई से अभी ये पानी लिया है। ठीक है, तकरीबन कैंटीन हम पहुंचे हैं यहाँ पे आधे घंटे में, और तकरीबन अभी 20 मिनट का जो रास्ता है ऊपर का भी बाकी है गारे सौर का, और इस कैंटीन पर आपको अवेलेबल होगी चाय, अवेलेबल होगी बिस्किट्स हैं, जूस है, जिस तरह की आप चाय, दूध पत्ती और सादी चाय, चाय पीना चाहें, और हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। भाई का नाम, आपका नाम भाई क्या है? मंजूर हुसैन साहब यहाँ पे होते हैं, ये देखिए। ठीक है,
उनके फोन पे भी कैमरा लगा है उधर। जजाक अल्लाह खैर बंदू भाई, थैंक यू। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं और यहाँ से तकरीबन अभी और 10 मिनट का और ऊपर रास्ता है गारसौर का। और जो आप ये रोड देख रहे हैं, ये ट्रैक, ये देखिए बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, ऐसे मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ से लोग जो हैं इस तरह से जा रहे हैं और समीर सारिम साथ साथ ही हैं। और वो देखें सीधा मेरी फिंगर की सीध में ये रास्ता ऊपर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ तक देखें रोड का काम हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, शॉवल्स भी यहाँ तक पहुँच गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन आएगा कि आप अपनी गाड़ी में ज़रूर आएंगे और ज़रूर ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह ताला। और जितनी भी हम हाइट पे ऊपर आते जा रहे हैं, यहाँ का जो मंजर है मक्का सिटी का बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा है, माशाल्लाह तबारकअल्लाह। और ये सामने क्लॉक टावर, क्या कहना है क्लॉक टावर का। फिर और ऊपर जाते हुए और ये बड़े बड़े रॉक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिस तरह ये आप देख रहे हैं बहुत ही बड़े बड़े रॉक्स हैं। और इस तरह का ये रास्ता है, ये देखिए इस तरह के स्टेयर्स हैं और ये छोटे छोटे इसमें गार भी बने हुए हैं। ये देखें असल जो गार है वो गार है सौर जो है वो यहाँ से आप ये ऊपर ले आएंगे तो ऊपर ये थोड़ा सा। आपको एडवाइज़ है कि इस रास्ते पे गार सौर पे जब भी आप आएँ थोड़ा रुक रुक के आइएगा, ठीक है। और जिनका वज़न ज़्यादा है वो आने की हिम्मत कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन है ना मैं तो एडवाइस नहीं दूँगा, इसलिए कि जिनका वेट ज़्यादा है वो ऊपर नहीं चढ़ सकते। और काफ़ी मैंने लोगों को नीचे देखा है कि जिनका वेट ज़्यादा है वो आधे रास्ते में बैठ गए, उनकी हिम्मत जवाब दे गई और उनको जो है उल्टियाँ भी आ गई हैं। ऐसा होता है, चक्कर भी आ जाते हैं जब ऐसे रास्ते पे आप आ रहे हों तो, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे प्रैक्टिस में होते हैं वो इस तरह से भागते हुए आ रहे होते हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं? ठीक ठाक। क्या बात है, कश्मीर के लोग हैं, देखें कितने पावरफुल हैं, पहाड़ी लोग हैं, कैसे भागते हुए जा रहे हैं माशाल्लाह। देखें और ये ऊपर की तरफ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह और इस्तकामत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे हमारे लोगों को और दिन पे चलने की इस्तकामत दे। ये अब हम करीब ही पहुंच गए हैं माशाल्लाह भाई, हमारे कह रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह भाई लगते हैं कश्मीर से। देखें कैसे कश्मीर की जबान पहचानी जाती है हर जगह है। कश्मीर कहाँ से हैं? ये बस रावला कोट के साथ ही, रावला कोट के साथ। बाघ से तो नहीं है? बाघ से नहीं है। चले आपका इस्तकाम सेहत देता हूँ। ये आ गए हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। ये गार सौर में जाने के लिए ये रास्ता है और ये है गार सौर, ठीक है। और ये अंदर जाने का इसका ये देखिए अंदर लाइट भी इन्होंने कैंटीन वालों ने यहाँ लगा दी है ताकि इस गार में रोशनी रहे। सुभान अल्लाह माशाल्लाह तबारक अल्लाह। ये अंदर से आपने इसका व्यू देख लिया है गारे सौर का। ये आपको दूसरे गार की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ। एक गार आपने मेरे वहाँ पीछे बैक पे देखा, ठीक है, और एक ये गार है वल्ला आलम, ये अल्लाह ही जानता है इसमें कौन सा गार जो है वो जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था। ये फ्रंट है इसका, इस गार का, ठीक है, और इसी में ये यहाँ से जाने का ये नीचे रास्ता है जैसे आप ये देख रहे हैं। और ये नीचे वाली वो जगह है जहाँ हो सकता है कि हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आराम फरमाया हो। वल्ला आलम ये दो गार हैं, ये अल्लाह ही जानता है, इसकी कोई दलील नहीं है मेरे पास,
जो आपके मैं बता सकूं। ठीक है, और ये दूसरी साइड का इसका ये पूरा मक्का सिटी का मंज़र माशाल्लाह तबारकल्ला। और ये मगरिब होने वाली है कुछ ही देर में। और एक रास्ता इसका गार का इधर से भी देखें, एक वो दिखाया था मैंने, एक रास्ता ये भी है। फातिम डोंट गो उधर, ये देखिए एक रास्ता ये देखें, ये बिल्कुल नीचे जा रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये आपको मैंने जूम करके भी दिखा दिया है। और ये एक रास्ता, एक देखें, एक होल ये के रास्ता ये भी है। ये अल्लाह ही जानता है कौन सा गार था, लेकिन आप ये देखें कि किस तरह से अल्लाह ने अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई कुफार मक्का से। सुभान अल्लाह। और ये देखिए मक्का सिटी की लाइट्स भी ऑन हो चुकी हैं, मगरिब का वक्त होने वाला है। और ये खूबसूरत माउंटेंस, खूबसूरत माशाल्लाह तबारकल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह आज खुश नसीबी थी, अल्लाह ताला ने हिम्मत ताकत इस्तकामत के साथ मुझे और मेरे बच्चों को और यहाँ पे ज़ायरीन जो आए हुए थे उनको यहाँ तक पहुँचाया, इस गार तक। ये सेकंड वाला गार है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जूम करके भी दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, जहाँ सारे मंदिर जाने की कोशिश कर रहे हैं, फातिम भी अपनी स्टिक को सही कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो दिल बहुत खुश हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज उस मुकाम पे मुझे और मेरे बच्चों को फैमिली के साथ और जो ज़ायरीन आए हुए थे उनको अल्लाह ताला ने यहाँ पे पहुँचाया और ये ज़ियारत नसीब फरमाया। और मेरी ख़ास दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी इस जगह पे आने की हिम्मत ताकत इस्तकामत नसीब फरमाए, ताकि आप जल्द से जल्द आके अपनी ज़िंदगी में देख लें। इसलिए कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ज़िंदगी थोड़े अरसे की है, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी शुरू होने वाली है वो है आखरत की ज़िंदगी, कब्र की ज़िंदगी। ठीक है, हिसाब किताब होगा हमारा, अल्लाह ताला हमारे को हिसाब किताब में आसानी फरमाए और आगे का सफ़र हमारे लिए आसान फरमाए। आमीन सुमा आमीन। ये उस मौके का ज़िक्र है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का कुफार मक्का ने इरादा किया, ये उसी रात का वाकया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि ऐसा मंसूबा बन गया है, तो उन्होंने अपने प्यारे दोस्त अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हिजरत का प्रोग्राम बनाया मदीना मुनव्वरा। कुछ लोग जो है हिजरत कर जा चुके थे, दो चार करके मदीना मुनव्वरा पहुंच गए थे, और कुछ जो बाकी रह गए थे उसमें कुछ कमज़ोर लोग थे और कुछ मुनाफिकीन थे। ठीक है, तो जब हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा किया, तो जिस बिस्तर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे वहाँ पे हमारे पैगंबर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लिटाया, ताकि कि मक्का की जो अमानतें हैं लोगों की वो वहाँ पे उनको वापस कर सकें, और ख़ुद जो है कुफार की आंखों में धूल झोंकते हुए वहाँ से निकले। जब वहाँ से निकले तो कुफार नहीं दे सके, और अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो है मदीना की तरफ जाना था, शुमाल की तरफ, लेकिन उन्होंने मदीना जाना की तरफ नहीं सोचा, उन्होंने जुनूब की तरफ अपना रुख किया, इसलिए कि उनको थोड़ा गुमराह कर सकें। लेकिन उनको ये पता था कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम था कि कुफार ज़रूर पूछा करेंगे, तो अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस गार में गार सौर पे इस जगह पर लेके आ गए। और इस जगह पर जब पहुंचने के बाद जब ये उन्होंने गार देखा, तो उन्होंने इस गार में जितने भी ये सुराख थे, ठीक है, इनको बंद किया, और कुछ अपने कपड़ों से बंद किया, ठीक है, अपने जुब्बे से बंद किया। रिवायत में यही आता है, और कुरान का भी मैं आपको हवाला दूंगा जिसमें ये पूरा
दर्ज है ये वाक्या। ठीक है, तो उन्होंने जब इनको सबको बंद कर दिया तो दो तीन सुराख रवायत के मुताबिक यही है कि रह गए थे, तो एक पे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने अपना पाँव मुबारक उन्होंने अपना पाँव मुबारक रख दिया। तो कुफार मक्का पीछे लगे हुए थे और वो उनके पीछे आ रहे थे वहाँ से ढूंढते ढूंढते, और पूरा मदीना मक्का का पूरा एरिया उन्होंने छान लिया। इतने उनके खोजी थे, चप्पा चप्पा गली गलियाँ सब जगह छान मारी, और ऐसे खोजी थे वो पाँव के निशान देखते हुए वो जो है इस गार तक, इसके मुंह तक, यहाँ तक पहुँच गए जहाँ हम आज मौजूद हैं। ठीक है, जब यहाँ पे वो पहुँचे तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में मौजूद थे, और मकड़ी ने जाला भी बुन दिया था और कबूतर ने वहाँ पे घोंसला बना के अंडे भी दे दिए थे। जब वो यहाँ तक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पाँव के निशान यहाँ आके ख़त्म हो गए, तो थोड़े से परेशान भी हुए। जब उन्होंने देखा कि जाला इस पे ऊपर बना हुआ है और कबूतर ने अंडे दिए हुए हैं, तो इसके अंदर जाने का किसी इंसान का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अल्लाह की हिकमत थी, वो यहाँ से वापस हुए, और ये अल्लाह का करिश्मा था अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि अल्लाह जिसको रखे उसको कोई कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जब यही सीन जो उन्होंने देखा, ये देखा कि कुफार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गार के मुंह तक पहुँच गए हैं, तो उनको खौफ तारी हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बोला कि ये लोग तो यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला सूरह तौबा में आयत नंबर 40 में, इस एक आयत में इसका पूरा वाकया बयान किया गया है, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है, आप फिक्र नहीं करें, इसलिए हम दो हैं और तीसरा हमारा अल्लाह है। तो इससे ये बात वाज़े होती है कि आप जब भी अकेले होंगे, लेकिन आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ आपका अल्लाह ज़रूर होगा। ये बात हमेशा याद रखें, अल्लाह हमारे हर वक्त हमारे साथ है, वो हमारे सुनता भी है, हर बात को देखता भी है, हर चीज़ को देखता भी है और हर बात को सुनता भी है, वही अल्लाह है, सुभान अल्लाह ताला। तो यही इसका मुख्तसर सा वाक़िया था। तो तीन दिन जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गार में क़याम किया, और जिस सुराख पे नबी अपना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पाँव रखा था, वहाँ सांप ने डस लिया। जब डसा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रान पे जानों पे सो रहे थे, तो उन्होंने बिल्कुल भी हरकत नहीं की कि हमारे नबी करीम सल्लम बेदार ना हो जाएं, आराम फरमा रहे हैं, और बर्दाश्त किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, जब देखा कि आपकी आँख से आंसू गिर रहे हैं, तो पूछा अबू बकर सिद्दीक क्या हुआ, तो हमारे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सांप ने डस लिया, तो उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन अपना लगाया उस जगह पे, सांप के डसने वाली जगह पे, तो जहर का असर ज़ाहिल हो गया और आप जल्द से जल्द शफायाब हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये अमल अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि इसकी कोई मिसाल इसके साथ नहीं दी जा सकती, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आज हम और मेरे बच्चे और माशाल्लाह ये खूबसूरत लोग यहाँ पे इस जगह पे मौजूद हैं, अल्लाह ताला इन सब की दुआओं को कबूल फरमाए। ये सिर्फ हिम्मत की बात है, हमें तकरीबन ऊपर चढ़ते हुए तकरीबन 1.5 घंटा लगा है, और बहुत ही मशक्क़त का ये काम है ऊपर चढ़ना भी इस माउंटेन पे। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग आए हुए हैं बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के साथ यहाँ पर आए हैं, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पर फरमाए और मक्का मदीना की ज्यारत हम लोगों को नसीब फरमाए जल्द से जल्द, जिनके इरादे हैं और जो नहीं आए हैं, और ये सारी ज्यारतें उन सबको नसीब फरमाए जो यहाँ आके देखना चाहते हैं, और जहाँ हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक जहाँ पे भी रोनुमा और वहाँ पे रखे गए हैं वो ज्यारतें हमें नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह अपने अहकाम और अपने प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पे अमल करने की तौफीक हमें हर मूढ़े मर्द बच्चे जवानों को सबको तौफीक अदा फरमाए, और आखरत का सफ़र हमारे लिए मरने के बाद हमारे लिए सब के लिए आसान फरमाए। मेरी ख़ास दुआ है यहाँ से अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का नमाजी, रोज़ेदार, हज करने की सआदत, जो फ़राइज़ हैं हमें वो पूरे करने की तौफीक अदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ सब की दुआएं
और आप लोगों की दुआएं हैं। अल्लाह ताला हम सबको हमारे आखरत के सफ़र के लिए आसानियां अता फरमाए, और सबसे पहली मंजिल हमारी कब्र है, वो कब्र की मंजिलों को हमारे लिए आसान फरमा दे, हमारे तमाम महरूमीन की मगफरत फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर व आखिर दावना व अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मक्का सिटी का मगरब से पहले का कुछ मंज़र। और ये बड़े बड़े रॉक्स, ये पूरा अराउंड सराउंडिंग में आपको मैंने पूरा इसका विज़िट करा दिया है, जिस तरह का ये माउंटेन है और किस तरह का यहाँ का मंज़र है, ठीक है। और काफ़ी ज़ायरीन देखें ऊपर आए हुए हैं और विज़िट कर रहे हैं कोविड के बाद। और चलते हैं, थोड़ी चाय भी पीते हैं वहाँ सामने कैंटीन से, ठीक है। और ये खूबसूरत मंज़र माशाल्लाह तबारकल्ला क्लॉक टावर का। तो फिर मैं अपनी इस खूबसूरत वीडियो गार सौर का मैं यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। मगरब की अजानें होने वाली हैं और कुछ इलाकों में यहाँ पे आज का करीब से होने वाली हैं। और क्लॉक टावर की लाइट भी देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ग्रीन हो गई है और अजान का वक्त हो चुका है मगरब का। और ये खूबसूरत मंज़र मक्का सिटी का। और भाई हमारे यहाँ पे अजान दे रहे हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह का नाम जो है पहाड़ों पे हो, ज़मीन पे हो, आसमान पे हो, दरियाओं में हो, समंदर में हो, झीलों में हो, हर जगह पे अल्लाह का नाम लिया जाता है। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की बड़ाई है, हम जो बयान करते हैं माशाल्लाह तबारकल्ला। और यहाँ नमाज़ की अदायगी करेंगे मगरब की, और फिर हम नीचे उतरेंगे रात के अंधेरे में। खूबसूरत मंजर गार सौर से माशाल्लाह तबारकल्ला मक्का सिटी से। और ये खूबसूरत रोड मक्कातुल मुकर्रमा के, ये देखिए ट्रैफिक रवा दवा है। और क्लॉक टावर भी यहाँ से हरम का नज़र आ रहा है, और हरम के मीनार भी आप देखें सामने, आपको ये देखें नज़र आ रहे होंगे बिल्कुल ये सामने, माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मंजर।